मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संकी मातो। तो गाइस, आज के इस ब्लॉग में आप लोग को दिखाने वाले हैं आईवी बंगला। तो बिना टाइम वेस्ट के ब्लॉग को शुरू करते हैं। आप लोग इस ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहें। और गाइस, मेरे साथ मेरे दोस्त घूमने के लिए जाने वाले हैं। हाय गाइस, ब्लॉग पे आप लोग कंटिन्यू बने रहे, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइस, आईवी बंगला हम लोग को घर से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। हम लोग घर से निकल चुके हैं और रास्ते का नजारा कुछ इस टाइप से है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। मेन रोड भी है, लेकिन हम लोग इसी रास्ते का यूज करते हैं। इस रास्ते से शॉर्ट पड़ता है। फाइनली गाइस, हम लोग आईबी बंगला के गेट के पास आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितना का यहाँ खूबसूरत नज़ारा है। इस लोकेशन पर पहले बहुत सारे गाने का शूटिंग हो चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस लोकेशन को आप लोग को दिखाया जाए। देखिए, देखिए गाइस, हमारे बीच यहाँ पे कौन मौजूद है। तो चलिए मिलते हैं उससे, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। और देखिए गाइस, यहाँ पे कौन है, आप लोग पहचान नहीं सकते हैं। हाय फ्रेंड, मैं एक्टर राजेंद्र महतो। मैं यहाँ से जब गुजर रहा था तो मुझे ब्यूटीफुल लोकेशन दिखाई पड़ा और मैंने चाहा कि इस ब्यूटीफुल लोकेशन को क्यों ना अंदर से जाके देखूँ और इस खूबसूरत ब्यूटीफुल लोकेशन का मजा लूँ। तो चलिए गाइस, हम लोग सब मिलकर इस लोकेशन को एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं, आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहे। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं बंगले के छत के ऊपर। आप लोग को दिखाते हैं कि यहाँ का कितना खूबसूरत नज़ारा है। देख लीजिए गाइस, आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ से दामोदर भी कुछ ही दूरी पर है। आप लोग देख सकते हैं कि दामोदर भी यहाँ से नज़र आ रहा है। और आइए, हम लोग राजेंद्र भैया से पूछते हैं कि आप इस लोकेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं ये लोकेशन में मुझे बहुत भाग गया है और इस लोकेशन को मैं अपना गाना में प्रस्तुत करना चाहता हूं। और इस लोकेशन फाइनली गाइस, हम लोग इस जगह पर घूम लिए और बहुत इन्जॉय भी कर लिए। अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं एलएनटी। तो आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहे।
फाइनली गाइस हम लोग एलएनटी पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि एलएनटी क्या है, ये एलएनटी कंपनी का कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पर वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है और यहाँ से लगभग धनबाद के मतलब सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई किया जाता है। तो आइए आप लोग को दिखाते हैं। गाइस ये है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पे झरने के टाइप से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए गाइस यहाँ पे किस तरह पानी को फिल्टर किया जा रहा है। देखिए ये जो देख रहे हैं वो वाला फिटकरी है, फिटकरी के सहारे पानी को फिल्टर किया जा रहा है। यहाँ से देखिए पानी का कलर चेंज हो गया है। देखिए गाइस यहाँ पे बड़े बड़े मोटर के सहारे पानी को फिल्टर किया जा रहा है। अब देख रहे हैं गाइस यहाँ से सारे प्लांट का व्यू नज़र आ रहा है, कितना बेहतरीन व्यू है। और इन्हीं सब इंटेक वेलों में पानी को दामोदर नदी से ला के स्टोर किया जाता है और इन सब मशीन के सहारे पानी को साफ किया जाता है। और गाइस इस झाड़ी के पीछे एक बेहतरीन झरना है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। फाइनली गाइस सारा लोकेशन कवर हो चुका है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, बाय। हाय गाइस।